हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। मैं नीरज वारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए, सभी को नमस्कार। और आज दुर्गाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में आप लोगों को पता है मसनू सीरीज, यानी हम बेसिकली कल से आप देखेंगे इसका टाइटल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो जाएगा। हमारी यूनिट नंबर दो है पॉलिटिकल थॉट्स, यानी बेसिकली उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मेनली पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स यहाँ पे पूछे गए हैं जिनको हमें समझना भी है, जानना भी है। अब आप लोगों की बारी है कि मैकियावेली को बहुत ही तरीके से ध्यान से समझना है। शाम के 4 बज चुके हैं, आपके बीच में हम लाइव हैं। पार्ट वन है इसका, अब पार्ट टू जो है बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। गाइस, अब आप लोगों को करना क्या, फटाफट एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर करिए और शेयर करके क्लास की रीच को बढ़ा दीजिए। और मैकियावेली वाली क्लास शुरू होगी कब, जब आप लोग आ जाएंगे सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में। यहाँ पे क्लासेस बहुत ही बढ़िया तरीके से आज दिन भर से चल रही हैं, बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स क्लासेस का आप सभी की तरफ से मिल रहा है। तो मैकियावेली क्या पॉलिटिकल थिंकर था, क्या उसके विचार थे, उनको जानेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से सवाल हमारे गलत नहीं हो। तो सुमन साहा, हेलो, सीमा कुमारी, स्वागत है। हाँ गाइस, तो फिर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर बैक टू बैक कीजिएगा, मेरी बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है आप सभी से, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप बाकी सबको इन्फॉर्म करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा क्लास की स्ट्रेंथ होगी, पढ़ने पढ़ाने का गजब ही मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के इसी सहयोग की अपेक्षा में क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पहले इन्फॉर्मेशन है हमारे नए फाउंडेशन बैच की, इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीबडी। पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के साथ समझना चाहते हैं, और नेट जेआरएफ अगर सर सिक्योर करना ही है, जेआरएफ मांगता है अपने को, तो सर यूनिट नंबर 5 से बैच की स्टार्टिंग कर रहा हूं। यूनिट नंबर 5 से नया बैच अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च कर दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास आप लोगों के लिए हाजिर है, जहां पे आप 6 महीना, 12 महीना या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, बेझिझक आइए, तैयारी करिए, लंबी तैयारी करिए, सिलेक्शन के लिए फाइट करिए, बेहतरीन क्लास होगी, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। और आईआर की इस यूनिट नंबर 5 में आप जुड़ेंगे तो आप फाउंडेशन बैच का पार्ट हो जाएंगे। ये नया बैच 5 नंबर यूनिट से हम शुरू कर रहे हैं, अगला बैच जो होगा वो 6 नंबर यूनिट से आएगा, उसके अगला 7 नंबर यूनिट से आएगा। आप लोगों के बैच कंप्लीट होते रहेंगे, 10 की 10 यूनिट कराने वाला हूं मैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको रेफरल कोड बता रहा हूं, रेफरल कोड है PARIK10, PARIK10। और आज एक नया कोड आपको और बताता हूं, अगर आप JRF का ही लक्ष्य है ना, JRF चाहिए, तो कोड लगाइए JRF10, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे ही साथ में जुड़ेंगे, ये दोनों कोड अप्लाई करके आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, और इन दोनों ही कोड से आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड आपने कर लिया होगा, PARIK10 या JRF10 जो आपको ठीक लगे, वही रेफरल कोड आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। गाइज, आप जो भी आते जा रहे हैं शेयर बैक टू बैक करते जाएंगे, तो ये रहे हमारे कोड PARIK10 और JRF10, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इसी एक सब्सक्रिप्शन में आपका पेपर 1 और पेपर 2, तो जिनको पेपर 2 के अंदर सर 80% प्लस का टारगेट लिए चल रहे हैं, सर गलत नहीं होंगे और हम मेहनत करेंगे, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी करता हूं पॉलिटिकल साइंस में आप किंग बन जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी, बिना कोई डर, बिना कोई झिझक के। तो जुड़ने के लिए क्या करना है, PARIK10 या JRF10 अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सब्सक्रिप्शन के लिए लागू कर सकते हैं, ये रेफरल कोड नीचे वाले हिस्से में आप लगा दीजिएगा। चलिए, तो फिर आप कहें तो शुरुआत करें। आप लोग अगर शेयर वेयर कर दें, बाकी सब लोग भी, देखो 9 बच्चे हो, अब 9 से मैं कहता हूं एक एक बच्चा 10 को भी लाएगा तो 90 बच्चे हम क्लास में 1 मिनट में हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मेहनत करके आइए। EMI का ऑप्शन है जयप्रकाश भट्ट, EMI का ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड के ऊपर भी, यानी जो आपका ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उस पर भी EMI मिल जाएगी। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो EMI का ऑप्शन अवेलेबल है ही, बहुत ही सस्ती, यानी आपको नो कॉस्ट EMI मिलेगी, 500, 200, 300, 400 रुपए महीने तक की भी EMI अवेलेबल है, यू कैन पे इन EMI। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फटाफट करना है शेयर, क्योंकि हमारे पास में कुछ और भी बैचेस हैं जो कि 21 तारीख से लॉन्च होने वाले हैं, इनको भी आप अपने कोड JRF10 को अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, या PARIK10 लगा करके आप अपने सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आप अनअकैडमी का UGC नेट कैटेगरी में कोई भी क्लास देखें, उसका कोई बंधन नहीं होगा। चलिए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास की तरफ मूव करते हैं।
आप शेयर करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है, सबको भी साथ लाएंगे, मेरी ऐसी अपेक्षा आप लोगों से। हमारा जो आज का विचारक है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनोखा है, इसको पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग मजा है। अब क्या मजा है वो तो आप समझते ही हैं। नाम है इसका मैकियावेली। तो आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठे हैं मेरी ऐसी उम्मीद है, और मैकियावेली के साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैकियावेली, ये जो मैकियावेली थिंकर है, मैकियावेली क्या विचार रखता है, इसका इतिहास क्या था, उसी सारे प्रारूप में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जिक्र ये है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिनसे मैकियावेली के विचार बने, मैकियावेली ने क्या क्या थॉट दिए, तो हमारे को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मैं वो टॉपिक को एक बार आइडेंटिफाई करता हूँ जिससे कि क्लास आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगी। ध्यान से देखें सर। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकियावेली एंड हिज थॉट्स। इसके बाद में कंडीशंस ऑफ इटली, इटली की क्या परिस्थितियां थी जिनसे उसके विचार बने, आज इन दो टॉपिक पे बात होगी, और उसके बाद में उसके थॉट्स के ऊपर आ जाएंगे, कल वाली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो नोट साथ साथ में बनाते चलना और एक एक चीज को आगे लेके चलना। ठीक है, ये तो बात रही। देखो सर, अब मैकियावेली के बेसिक इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं, आप बात को समझना। मेरा एक विचार है, आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका वातावरण होता है, यानी जो आपका एटमोस्फियर होता है, किसी भी व्यक्ति के विचारों पे, आप लोग समझिए ना, मान लीजिए कोई एक्स है, एक्स का नजरिया किसी चीज को लेके पॉजिटिव है और किसी चीज को लेकर के एक्स का नजरिया नेगेटिव है, तो कंफर्म मान के चलिएगा कि अगर एक्स किसी चीज के लिए नेगेटिव और किसी चीज के लिए पॉजिटिव है, तो उसको लेकर के उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव काम कर रहा होगा। आप सहमत हैं इस बात से? किसी को मान लीजिए बचपन में बहुत ज्यादा लगाव मिला अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारों में, तो वो क्या मानेगा कि रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी मान्यता बेसिकली डेवलप हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर किसी के नेबर का गंदा बिहेवियर रहा होगा, बचपन से उसका अनुभव रहा होगा, तो वो नेबर को लेकर के नेगेटिव अप्रोच बना लेगा। तो प्यारे साथियों, जितने भी थिंकर होते हैं, वो थिंकर का उसका एटमोस्फियर क्या है, किस रूप में उसके विचार काम करते हैं, वो आगे बढ़ता है। अब यहां क्या था, जो हमारा मैकियावेली था, मैकियावेली की कहानी शुरू होती है इटली में। ठीक है, पता ही है आपको, और इटली में भी कहां पे, फ्लोरेंस में। जगह का नाम क्लियर हो गया, फ्लोरेंस। इटली में कहां आ गए, फ्लोरेंस में। अब मैकियावेली के ऐसे कौन से विचार उसकी कौन सी परिस्थितियों में डेवलप हुए, उन सबको अब देखने की बारी है। प्यारे साथियों, नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं वही टॉपिक एड्रेस करूंगा जो आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाले होंगे। आप चीज चीज देखिए, मैकियावेली का जो बर्थ है, मैकियावेली का जो जन्म है, वो डियर फ्रेंड्स होता है 3 मई 1469 को, 3 मई 1469, 3 मई 1469। अगर बात करें उसकी डेथ की, मैकियावेली की मृत्यु होती है 21 जून 1527, 21 जून 1527। बात समझ में आ रही है, 1527। तो बर्थ हो गया, उसकी डेथ हो गई, इन दोनों के बीच के फासले को आपको देखना है, तो ये कहानी लगभग 1450 से लेकर के 1550 के उस एटमोस्फियर के बीच में थी, जब दुनिया में बहुत बड़े मात्रा में परिवर्तन हो रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस आ रहे थे, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो रही थी, लोगों के थॉट चेंज हो रहे थे। अब कौन सी ऐसी कहानी थी जो मैकियावेली को प्रभावित कर गई, आपके सामने उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हमने बता दी, उसकी डेट ऑफ डेथ भी मैंने आपको बता दी। अब आप एक चीज समझिए,
कि मृत्यु और इस काल में, और हाँ प्लेस आप लोगों को पता ही है, ये इटली में हुआ था। तो इटली की कहानी क्या है, थोड़ा सा मैप पे नजर दौड़ाएंगे तो क्लियरली समझ में चीजें आ जाएंगी। मैप थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको सिर्फ देखो, इधर तो आपको पता ही है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की टेरिटरी आ जाती है इस तरफ, तो ठीक है इधर से साउथ अमेरिका की बॉर्डर आ गई। ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन, कौन सा अटलांटिक ओशन। इंडिया की पोजीशन यहां है। आप लोग एक चीज देखिए कि यहां से एक माउंटेन गुजरता है, ये जो माउंटेन यहां से गुजरा, आप समझिए, कभी को ज्योग्राफी समझ में आएगी तो पॉलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। देखना, इसे कहते हैं यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। ये यूराल के ऊपर, ये यूराल माउंटेन के इस तरफ तो है एशिया, ठीक है जी, और यूराल माउंटेन के इस तरफ है यूरोप। और यूरोप में भी क्या कहानी है, लगभग लगभग मैं जो हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये कहलाता है वेस्टर्न यूरोप और ये कहलाता है ईस्टर्न यूरोप, यानी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। बात बहुत सही है, थैंक यू वेरी मच रुचि, मैप की प्रैक्टिस करिए अपने आप मैप बनने लगेंगे। आप देखिए ये वेस्टर्न यूरोप में मैंने एक रैंडम मैप बना दिया है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। आप लगभग ये समझिए कि अगर हम नजर दौड़ाएं, ठीक है, हम अगर नजर दौड़ाएं, देखो तो इटली की लोकेशन लगभग लगभग आपको ना इस जगह पे मिल सकती है, लगभग कहीं पे भूमध्य सागर के पास में यहां पे आप इटली को ढूंढ सकते हैं, ठीक है सर। अब पोजीशन क्या थी कि इसका जब जन्म हुआ था, यानी ये 1469 से लेकर के अगर मान लो छोटा बच्चा भी रहा होगा तो 20 साल का होते होते, 20-21 साल का कितने साल में हो गया होगा, 1491 में, ठीक है 70 और फिर 80-90 है, हाँ ये 1990, 1490 के पास में मान के चलो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा टिपिकल थी इस इटली की, क्यों, हो क्या रहा था। एक तरफ तो आप देखिए कि ये दौर था जिस समय पुनर्जागरण का काल चल रहा था, जिसको रेनेसा पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, पुनर्जागरण का काल बोलते हैं। ये जो पुनर्जागरण का काल था इसमें देखो इस टाइम तक क्या था, यूरोप के अंदर चर्च का राज चला करता था, किसका था, चर्च। अब चर्च अगर पावरफुल है, आप बात को समझना, अगर चर्च पावरफुल है तो ऑब्वियसली चर्च चर्च किसके पीछे चल रहा है, बाइबल के पीछे, ठीक है बाइबल हो गई। अगर ये बाइबल, सर कृतिका पारेख आपकी सिस्टर है, जी हाँ मेरी छोटी बहन है वो, शी इज माई रियल सिस्टर। अब देखो बाइबल, अब बाइबल ने चर्च का नॉमिनी किसे बना दिया, पोप को बना दिया। अब एक तरफ पोप है, पोप लीड कर रहा है बाइबल के पीछे पूरे चर्च को, और बाइबल ने लगभग लगभग पूरे के पूरे यूरोप को अपने प्रभाव में ले लिया। बात समझ रहे हैं, पूरे के पूरे यूरोप को अपने प्रभाव में ले लिया। अब यहां पे जब प्रभाव में ले ही लिया तो हुआ क्या कि चर्च राजा जैसा एकदम हो गया, पोप जो था, पोप उसका नेतृत्व करता था, तो पोप ने लगभग अपना सारे राज चला लिए। मतलब बाइबल के अगेंस्ट में सोचने पे जिंदा जला दिया जाएगा, पोप के अगेंस्ट में आप जा नहीं सकते, आपको राज करना है तो पोप के अंडर में रहना पड़ेगा। कहने का मतलब चर्च का शासन इनडायरेक्टली शुरू हो गया। जो भी किंग होते थे, जो भी जितने सामंत होते थे, जितने भी फ्यूडल होते थे, वो किसके अगेंस्ट में होते थे, किसके अगेंस्ट में होते थे, किसके अंडर में होते थे, चर्च के अंडर में होते थे। अब बात एक चीज को समझने की कोशिश करना, अगर मान लो ये आम जनता है, किसान ही, पहले तो लोग किसान ही करते थे, इंडस्ट्री तो थी नहीं,
अब किसानों के ऊपर नियंत्रण किसका? फ्यूडल का, यानी सामंतों का। सामंतों का नियंत्रण, सामंत किसके अधीन? किंग के अंडर में। किंग किसके अंडर में? पोप के अंडर में। अब पोप चाहेगा वैसा करवाएगा। लेकिन जो ये पुनर्जागरण का दौर आया था, पुनर्जागरण के दौर में बात ये हुई थी कि भाई साहब इस ऊपर वाली दुनिया को छोड़ दो, इस नीचे वाली दुनिया को समझना शुरू करो। आपको जीवन जीना है इस दुनिया में तो ज्ञान को सीखो, धर्म से डरो नहीं, पोप से डरो नहीं। तो पोप का विरोध होना शुरू हो गया था। अब आप एक चीज समझिए, ये जो टाइम था पर्टिकुलर, इस पूरे के पूरे टाइम में मैकियावेली की ग्रोथ हुई थी। वो अपने जीवन में विद्रोह देख रहा था, वो अपने जीवन में देख पा रहा था कि नई सोच कैसे काम करती है। वो ये देख पा रहा था कि कैसे फ्रांस किस तरीके से बाकी और देश जो थे वो आकर के इटली के ऊपर अटैक करते थे, किस तरीके से इटली जो कि पांच टुकड़ों में बटा हुआ था, याद रखना मैं बताऊंगा कैसे, जो पांच टुकड़ों में बटा हुआ था, इस इटली को सपोर्ट करने की बजाय उसको तोड़ने का प्रयास करते थे। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये कहानी चली पूरी की पूरी, ये एक तरह से माहौल था किसके टाइम पे? ये माहौल था आपके मैकियावेली के जन्म के इर्द गिर्द का समय था। बात समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग भी अगर पढ़ के अच्छा लगे ना, तो यार प्लीज एक बार अपने साथियों को शेयर साथ साथ में करते रहा करो, ठीक है ना। 4 PM पे आप लोगों के लिए आते हैं, आप लोग भी उसी उत्साह के साथ में आओ और ज्वाइन करो, ठीक है ना। नेट का एग्जाम क्या समझना है चीजों को, पढ़ने पढ़ना तो पढ़ना पड़ा तो बेटा कोई भी देगा, समझने वाली बात है और समझने में टाइम लगता है ना। तब आप लोग शेयर वेयर करते रहो और साथ में बने रहो। अब देखो सर, शेयर तो आप लोग कर ही देंगे, तो ज्यादा तो क्या लिखूं उसको, ठीक है। कलर चेंज करते हैं पेन का। आइए अब यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखें सर क्या बात है। बात ऐसी है कि मैकियावेली का जो पूरा का पूरा माहौल था, मैं MV लिख दूं समझ जाएंगे ना, मैकियावेली। निशा गुड इवनिंग। मैकियावेली को मैंने MV लिख दिया, इसका बर्थ ईयर और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। आप समझिए मैकियावेली को, इसको हम फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। अब ये प्रथम आधुनिक तो मतलब मेरे साथ तो देखो क्या है, पढ़ाते पढ़ाते आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, हर चीज के ऊपर लेके आओ क्यों, हर चीज पे क्या पूछो क्यों। ये जो मॉडर्न वर्ड आया सर जी, समझ नहीं आया ये आधुनिक विचारक इसको कहने का रीजन क्या था, कौन सा ऐसा विशेष काम हो रहा था जिसके पीछे इसको मॉडर्न थिंकर का ना टाइटल हमने दे दिया। बात को समझिए, मॉडर्न आखिर में इसको क्यों कह रहे हैं? आप एक चीज देखो कि जो मिडल एज थी, यानी जिसको हम मध्य युग कहते हैं, ये मध्य युग के जितने भी विचार थे, जिसमें चाहे आप चर्च का पावर ले लो, आप पोप का पावर ले लो, आप जो सामंत थे उनका पावर ले लो, उन सारे मध्ययुगीन विचारों को दरकिनार करके वो नए इनोवेशन की बात करता था, ये नए सोच की बात कर रहा था। इसको लगता था कि जो कुछ है वो आधुनिक समाज में होना ही चाहिए। इन सारे के सारे परिस्थितियों को लेकर के वो अपने गति से आगे बढ़ रहा था, और बढ़ते 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 उसने इतने जो राजनीतिक विचार दिए, उससे उसको टाइटल मिल गया कि सर ये तो प्रथम आधुनिक विचारक है। बात समझ में आ गई क्या? प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। और आप लोगों को एक सवाल और तैयार हो जाना चाहिए, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है मैक्सी, ठीक है सर, ये कोटेशन मैक्सी का है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि रैम्बो मेगा गुड इवनिंग स्वागत है, आ जाओ, आप बहुत मिस कर रहे थे क्लास को, क्लास शुरू हो चुकी है, अब फटाफट सब लोग जुड़े रहो। देखो मैक्सी ने ये कोटेशन दिया है किसके लिए? मैकियावेली के लिए, कि साहब मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक रहा है, तो मैक्सी के नाम को याद कर लेना, ठीक है। तो यहां से अब
मैक्सी ने कहा कि प्रथम आधुनिक विचारक है, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, यहां तक तो ठीक है, बट सवाल ये हो जाए सर क्यों कहा ऐसा, आखिर में क्या था जिसकी वजह से इसको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि इसने मॉडर्न एज के जितने आइडियाज थे, मध्य युग की तकियानुसी बातें थी, उन सब से ये बाहर निकल के आया। अब आप बोलेंगे सर मध्य युग की कौन सी बातें, देखिए मध्य युग की बात थी स्टेट और चर्च के बाहर की कोई बात ही नहीं होती थी, राज्य और चर्च का क्या संबंध है, ठीक है, चर्च और राज्य का क्या संबंध है उसको लेकर के डिस्कस करते थे कि राज्य चर्च, चर्च की ड्यूटी क्या है, राज्य का काम क्या है, बाकी अधिकारों की कोई बात नहीं थी, किंग को कोई पावर नहीं था। कुल मिलाकर के मैकियावेली ने मिडल एज के उन जो दकियानुसी बातों को छोड़कर के एक मॉडर्न टच अपने लाइफ में ले लिया था। आई थिंक यहां तक की कहानी क्लियर है। इसीलिए मैक्सी ने मैकियावेली को क्या बोला, द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पहली कहानी। मैकियावेली को एक और उपमा मिलती है, ठीक है, मैकियावेली को एक और उपमा मिलती है, एक उपमा बड़ी गजब की दी जाती है, क्या कहा जाता है कि मैकियावेली इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, यानी अपने समय का शिशु है। ये सब चीज समझते जाइए सर, ठीक है, बहुत मजा आने वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ के। गुड इवनिंग सुरेंद्र, क्यों आखिर में किसने कहा, सबसे पहले तो नाम लिख लो, डनिंग। मानसिंह टेलर कह रहे सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, भाई पूछ रहे हो या बता रहे हो, पूछ रहे हो तो भाई मेरे को अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बता रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, ये तो मजेदारी वाला काम हो गया, बात समझ रहे हो, अगर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात हो गई है। बारकर का नहीं है मेरे भाई, बारकर का नहीं है, मैकियावेली का कथन है, मैकियावेली का मेरे भाई साहब, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखें, अपने युग का शिशु इसको क्यों कहा, मेरी हेल्थ बहुत ठीक है, काफी अच्छी, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच लाइव आ पाया हूं। अपने युग का शिशु इसको क्यों कहा, कौन सी कहानी थी जिसके पीछे इसको युग का शिशु कहा? आप एक चीज देखो, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं वो सारे अपने युग के शिशु ही होते हैं, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स ही होते हैं। आप भी तो अपने युग के शिशु हो, आपके भी तो विचार अपने उस रूप में काम करते हैं, आप का भी तो उस रूप में डेवलपमेंट हुआ है, आपके भी तो आइडियाज आपके अनुभवों पर तो आश्रित हैं। लेकिन था क्या कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आ रहे थे, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया निशा शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एग्जाम आगे जा चुका है, अब तो कुछ और धमाका करो, अब तो मेहनत करो, मतलब अब मौका नहीं छोड़ना दोबारा से। गुड इवनिंग शुभम चौहान जी, देखिए पॉलिटिकल थिंकर जितने आ रहे थे वो उतना खुल के नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जितना ज्यादा इसने क्या बोलते हैं मैकियावेली ने एक्सेप्ट कर लिया था, मैकियावेली ने अडॉप्ट कर लिया था। तो डियर फ्रेंड्स, मैकियावेली की इसी अडॉप्शन को लेकर के प्रोफेसर डनिंग ने कहा कि इसके जितने विचार है, जैसे इसने कहा कि जो राजकुमार यानी किंग होना चाहिए, ही मस्ट बी ब्रेव लाइक ए लॉयन एंड क्लेवर लाइक ए फॉक्स। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उसका अनुभव यह था कि राजा के बिना काम नहीं चलता। वो क्यों कहता है कि जो मानव होता है वो स्वभाव से जानवर जैसा होता है, वो क्यों कहता है, क्यों? क्योंकि उसने जानवरों जैसा व्यवहार देखा था, इसलिए उसने उतना ही प्रैक्टिकली और क्लियरली अपने सब लोगों के बीच में उस बात को ओपन कर दिया। तो चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स यानी अपने समय का शिशु क्यों कहा गया, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है सर। यहां तक की तो बातें चलती रही, अब थोड़ा सा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली गई, मैकियावेली की बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी 1469 से लेके 1527 तक इसका जन्म था। है ना, अब क्या बात हुई, देखो अभी एक बार एग्जाम की बात छोड़ दो, लाइव डिस्कशन मेरे भी नजर है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ रहे हो, सिंसियर हो, ये बात एक बार छोड़ो और फोकस करो क्लास के कंटेंट के ऊपर, ठीक है ना, क्लास के कंटेंट पर फोकस करो, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं समझा रहा हूं। आप देखो,
देखो सर, मैकियावली का जो टाइम था ना, मैकियावली का सबसे पहले तो अपन चलते हैं द वर्क्स ऑफ मैकियावली। वर्क्स यानी कृतियां, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए इसको जाना जाता है, नाम है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस ये एक वो कालजयी रचना है जिसके लिए पहचान है ये मैकियावेली की। मैकियावेली को द प्रिंस के नाम से जाना जाता है। द प्रिंस इसकी महानतम कृति है। ठीक है, अब ये द प्रिंस जो है, ये बुक लिखी कब गई थी? ये बुक एक्चुअली जो लिखने का काम था ना, वो तो 1513 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 1513 AD में ये काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो पब्लिश ये बुक हुई, ये पब्लिश हुई थी 1532 में, 1532 में। आप लोग देखिए 1532 कब है? आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ डेथ, यानी मैकियावली की मृत्यु होने के 5 साल बाद इस बुक को पब्लिश किया गया था। 1513 में इसको बुक को पब्लिश 1513 में तो लिख दिया था। अब आप देखें, ये जो मैकियावली ने बुक लिखी द प्रिंस, इस द प्रिंस बुक की कहानी थोड़ी सी अनोखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी होगी, हुआ क्या है इस द प्रिंस जो ये बुक है, इसमें 26 चैप्टर हैं टोटल, जो कि 3 पार्ट्स में, 3 खंडों में विभाजित हैं। लिख लीजिएगा सर, लिख लीजिएगा। ठीक है, 26 चैप्टर हैं और 3 खंडों में क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। 3 पार्ट में मैकियावेली ने इन 26 चैप्टर को डिवाइड कर लिया। पहला चैप्टर दिया गया किसके लिए? मोनार्की, बोले तो राजतंत्र को लेकर डेडिकेट कर दिया। दूसरी जहां पे बात हुई, उसने क्या किया, आर्मी को लेके बात की, यानी एक तो ओन्ड आर्मी और किराए की आर्मी, दोनों की बात की है। किराए की आर्मी को बुरा बताया है, बोलता है, बोले राजा, पहले क्या था, यूरोप के अंदर माहौल ऐसा था कि कोई जरूरी नहीं था कि हर राज्य अपनी सेना रखे, वो रेंट पे भी ले लेते थे भैया, हम पैसा दिया सेना हमारे पास में आ गई। लेकिन मैकियावेली ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करके बोला कि ये क्रम गलत है, हर राज्य की अपनी सेना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किराए की सेना में भक्ति नहीं होगी, देशभक्ति नहीं होगी, उनमें क्या होगा, उनमें पैसों का लालच होगा यार, पैसा को दूसरा देगा तो दूसरे के लिए लड़ने लग जाएंगे। तो दूसरे पार्ट में किसकी बात हुई है? पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, आर्मी, और जहां तक रहा थर्ड पार्ट में इसने अपने पॉलिटिकल थॉट्स दिए हैं, यानी राजनीतिक विचार इसने यहां पे प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई, क्लियर। प्रिंस की कहानी, द प्रिंस बुक को कब लिखा गया? 1513 में बुक लिख के कंप्लीट हो गई। पब्लिश कब हुई? 1532 में। कब? उसकी जो मतलब 1527 में तो डेथ ही हो गई थी, उसके 5 साल के बाद में 1532 में इस बुक को पब्लिश किया गया। 26 टोटल चैप्टर हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली मोनार्की को डेडिकेटेड है, दूसरी जो है वो आर्मी को, जिसमें वो आर्मी ऑन रेंट और ओन्ड आर्मी दोनों की बात करता है, और पॉलिटिकल थॉट के बारे में तो वो कहता ही कहता है। चलिए, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब ये द प्रिंस के पीछे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो पहला तो इसका टेक्स्ट कौन सा हो गया? पहला टेक्स्ट हो गया द प्रिंस। अब देखो सर, एक दूसरी कहानी और बताता हूं इसकी, सेकंड इसके टेक्स्ट पे और नजर डालो। हुआ क्या था कि जब ये अपने विचार रख रहा था, तो इसको एक तरह से देश निकाला मिला था, ये अपने देश को छोड़ के चला गया था। हुआ क्या, अपने जब ये देश निकाले की स्थिति में चल रहा था, तो इसने क्या सोचा कि यार देश के तो मैं बाहर हूं, तो स्टडी कर लेता हूं। उसने एक हिस्टोरियन था, लेवी, क्या नाम था? लिवी। ये जो लिवी नामक विद्वान था, लिवी क्या था, एक हिस्टोरियन था। हिस्टोरियन कह लीजिए या कह लीजिए आप इतिहासकार, ठीक है, हिस्टोरियन, इतिहासकार।
ये जो लिवी नामक इतिहासकार था इसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ा तो इसका बहुत दिमाग खुला। देखो एक एक क्रम समझना, एक छोटा सा इक्वेशन समीकरण जैसा है, अभी एक मिनट में समझ में आएगा। मान के चलो जैसे ये एंशंट पीरियड, मिडेवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, बात समझ में आ गई। अब मिडेवल पीरियड तो कमियों से भरा हुआ था, ये तो बात है, और मिडेवल पीरियड से जस्ट बाहर आके मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मैकियावेली कर रहा था। अब आप लोग एक चीज सोचो कि मिडेवल पीरियड की कोई बात को वो क्यों पढ़ेगा, उसकी नजर में तो मिडेवल पीरियड सबसे बुरा है। उसने क्या किया, इस एंशंट पीरियड के टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया, जिसके आधार पे उसने क्या किया कि पुराने अनुभवों से मॉडर्न थिंकिंग निकालने की कोशिश की। बात समझ गए? तो जो लिवी हिस्टोरियन था वो एंशंट हिस्टोरियन था, मॉडर्न टाइम का, ये मिडेवल टाइम का हिस्टोरियन नहीं था, मध्यकाल का इतिहासकार नहीं था। क्यों? क्योंकि मध्यकाल से तो मैकियावेली चिढ़ता था, अब उस मध्यकाल के इतिहासकार का वो क्या करेगा। तो ये बहुत बड़ी खास बात मैकियावेली के थिंकर की है, मैकियावेली की है, कि उसने अपने आधुनिक विचारों को रखने के लिए पुरातन विचारों का सहारा लिया। ठीक है, अपनी मॉडर्न थॉट को जनरेट करने के लिए उसने पुरातन बातों को, ओल्ड जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उनका सहारा लिया। तो जो लिवी जो नामक हिस्टोरियन आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम आप सुन रहे हैं, इस हिस्टोरियन ने क्या किया, शारदा भाटी गुड इवनिंग, आगे चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़ो फटाफट। जो ये हिस्टोरियन था इसकी एक बुक थी, इनकी इसकी बहुत सारी किताबों को पढ़ा, उनको अन्वेषित किया। नेहा गॉड गुड इवनिंग, पढ़ो पढ़ो। देखो ये जो इतिहासकार था इसने एक किताब लिख दी, डिस्कर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी। यानी देखियो पहले नाम लिख लीजिए, डिस्कर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी। यानी मैकियावेली ने क्या काम किया कि जो लेवी इतिहासकार था उसके विचारों को लिया, उनको पढ़ा, उसकी 10 किताबों पे अपनी कमेंट्री लिख दी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार वाला काम है। ठीक है, 3 स्टार लगेंगे सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पसंद आ रहा तो लाइक करते चलो, साथ साथ में शेयर भी करो। ठीक है, अपने साथियों को साथ में जोड़ करके चलो, साथ साथ में पढ़ते चलो और पढ़ाते चलो। आप बाकी सब सर एंड मैम ही हैं यार, असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हो सब लोग आप, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना भी सीख लो और पढ़ाना भी सीख लो, है ना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो बुक्स ऑन लिवी लिखा, तो एक तरह से ये बुक, इसके इतिहासकार का अपना अनुभव इस बुक में भी इसने देने का प्रयास किया। तो कहानी क्या समझ में आई आपको अब तक, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दिख कर रहा हूं। मैकियावेली की सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में, बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे कंडीशंस ऑफ इटली की। इटली में ऐसी कौन सी स्थितियां थी, तो जन्म बताया 3 मई 1469, 21 जून को डेथ हो गई, परिवर्तन का दौर था, फ्लोरेंस इटली के अंदर रहता था, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स अपने अनुभवों से इसने ले लिए थे। ये रिविजन दे रहा हूं, ये पूरा नक्शा बना के मैंने समझाया कि कैसे पोप का टाइम चल रहा था, किस रूप में चीजें आगे बढ़ रही थी। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बताया इसको, अपने समय का शिशु बताया इसको डानिंग ने। इसके साथ में इसके वर्क में एक तो द प्रिंस हमने देख ली, और प्रिंस के साथ में द डिस्कस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लेवी, ये इतिहासकार वाली ये बुक भी हम देख चुके हैं। अब सर ये तो रहा इसका सामान्य परिचय, अब अगर मैं बात करूं कि इसको ये कहा जाए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, अपने युग का शिशु, आपको एक गुड न्यूज और देता हूं, गुड न्यूज का देता हूं आपको, इंफॉर्मेशन देता हूं, ये इंफॉर्मेशन को सुन लो समझ लो जान लो। ठीक है, फिर बार बार नहीं बोलना सर आप रिपीट करें या वो करें, मैं एक ही बार बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। अभी सुबह 10 बजे, डेली सुबह 10 बजे, सुन लो ध्यान से, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे मेरी फ्री क्लास अवेलेबल हो चुकी है, और फ्री क्लास खुश नसीब है हम लोग कि हमारे को कौन सी क्लास मिल रही है, केवल पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। तो अब आप लोग मेरे साथ में
YouTube के साथ साथ में अनअकैडमी पे भी जुड़ेंगे फ्री सेशन में। केवल पेपर टू का एमसीक्यू प्रैक्टिस अब हम वहां पे करेंगे, जो हमारा 8 बजे एमसीक्यू करते थे ना, अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे करेंगे। जिनको ने जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको क्या करना होगा, अनलॉक करना, ठीक है, प्लान को अनलॉक करना होगा, फ्री अनलॉक होगा। आप पारिक 10 PARKEK10 या JRF10 JRF10, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कोड लगा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अप्लाई करोगे तो आपको फ्री PDF भी मिलेंगे, तो ये सब लोगों को आना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात और समझो, दूसरी बात क्या कह रही है, दूसरी बात यहां पे ये आ रही है कि हमारी दो क्लासेस और होती हैं, 11:30 और 12:30, ये फ्री क्लासेस हैं। 11:30 बजे वाईफाई वाला चैनल है, वाईफाई यूजीसी नेट, और 12:30 बजे फिर वाईफाई यूजीसी नेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4 बजे यहां। और सबसे बेहतरीन बात कि आज रात 8 बजे से आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की बेहतरीन क्लास शुरू कर देंगे। तो जिनको संविधान के अनुच्छेदों पे, क्योंकि पहले वो सीरीज शुरू हुई थी, वो चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसको हम आगे बढ़ा ही नहीं पाए, तो फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से दम लगाएंगे और नए सिरे से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग खुश हैं, मन जिनका खुश है, लाइक शेयर करते रहो। आपके कमेंट्स पे भी मैं नजर डाल लेता हूं कि क्या कुछ बातचीत आप कर रहे हैं, कमेंट दिखे नहीं 2-3 मिनट से। वाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर के, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल को सब्सक्राइब करो, तब आपको मिलेगा, ठीक है। 8 बजे तो इसी चैनल पे लाइव आपको मैं मिलने वाला हूं, ठीक है सर। तो आप दो चैनल पे पढ़ाई करेंगे, वहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पे, अपने युग का शिशु। सिंपल फंडा है, पहली बात तो किसने कहा, प्रोफेसर डनिंग ने कहा था, इसमें तो कोई डाउट किसी को होगा ही नहीं, प्रोफेसर डनिंग की इस बात पे। अब ध्यान से देखें, प्रोफेसर डनिंग ने अपने युग का शिशु इसको क्यों कहा, कौन सी ऐसी बात आफत आ पड़ी थी इनके ऊपर जिन्होंने इनको युग का शिशु कह दिया। कुछ बातें देखें, सबसे पहली बात पीरियड ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का जो काल था, इस पुनर्जागरण के काल ने एक तरह से क्रांति ला दी थी, धर्म के को लेकर के लोगों के विचार बदल रहे थे। अब गुलामी लोग सहन नहीं करना चाह रहे थे, लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, लोग जुड़ना चाह रहे थे अपनी जड़ों से। तो ये जो रेनेसा का पीरियड आया, इस रेनेसा के पूरे पीरियड ने सामंतवाद के खिलाफ विचार शुरू कर दिए, लोगों के मन में एक वो विचार डेवलप किया। बात को समझिए, हर चीज को लिखना नहीं है, चीजों को समझते भी चलें। रैम्बो मेघा थैंक यू, पढ़ो पढ़ो, बस एकदम दम लगा के पढ़ो, मेहनत करो, सफलता के लिए हर काम होगा। यहाँ पे अनअकैडमी आपके साथ है, अनअकैडमी आपके साथ है तो हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। अब आप लोग बस डेली अपने शाम को 4 बजे, सुबह 11:30 बजे वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट पे, फिर 12:30 बजे वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट पे, शाम को 4 बजे अनअकैडमी यूजीसी नेट पे, और रात को 8 बजे अनअकैडमी यूजीसी नेट पे, और सुबह 10 बजे फ्री क्लास में। और जो लोग प्लस वाले हैं वो सुबह 7 बजे और 8:30 बजे। तो दिन भर का पैकअप प्लान आप लोगों के लिए हमने दे दिया है, ठीक है। अब देखो, पुनर्जागरण आखिर में कहते किसे हैं, पुनर्जागरण का मतलब समझो फिर से जागना। मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूं ये पुनर्जागरण होता क्या है, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा जब आप IR पढ़ेंगे। तो तैयार है सभी लोग ना पुनर्जागरण को समझने के लिए। रेनेसा किसे कहते हैं, रेनेसा पीरियड होता क्या है, आप एक चीज समझिए। देखिए मैं एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं आपको, आप बात समझो। एक टाइम पीरियड था जब दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी, सब लोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत खुश थे, पॉजिटिव थे, दुनिया बढ़िया बढ़िया तरीके से चल रही थी। अब दुनिया जब आगे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते हुआ क्या कि लोग फ्री होने लगे, ठीक है, लोग फ्री होने लगे, लोग किसी के बंधन को नहीं मानते थे, लोग किसी चीज को मतलब मानना ही छोड़ दिया। अब जब मानना छोड़ दिया तो न्यूडिटी आ गई समाज में, नग्नता आ गई, वहशीपना समाज में आ गया,
मर्डर होने लगे, रेप होने लगे, लोग ओपन रोड पे इलिसिट सेक्स करने लगे, गंदा माहौल हो गया, कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म, किसी तरीके की कोई मोरालिटी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हुआ तो कुछ लोग विचार करने लगे कि यार इस कंट्रोल को तो, इस परिस्थिति को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो किससे कंट्रोल करें? किसी ने कहा कि राजा को लेके आओ, राजा से कंट्रोल होंगे। बोला कि राजा तो आज भी है, तो राजा से तो कंट्रोल नहीं होंगे, तो किसे लेके आए? इन्होंने कहा राजाओं के राजा को लेके आओ। बात को सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस धरती के राजा का तो भय नहीं है, राजाओं का राजा चाहिए। अब ये राजाओं का राजा कौन होगा? इन्होंने कहा कि अब लेके आ जाओ बड़े बड़े अक्षरों में GOD, गॉड, भगवान का अवतार करा दो, ईश्वर को लेकर के आइए। ईश्वर के भय से ये लोग काम करेंगे, भगवान से कम डरेंगे। अच्छा, तो गॉड चाहिए, तो गॉड का फिर क्या होगा? बोले गॉड का रिलेशन बनाओ सोल से। भाई शरीर का संबंध तो शरीर के राजा से, और आत्मा का संबंध परमात्मा से, तो आत्मा और परमात्मा के संबंधों की बात लोगों ने किया। अब ये लाए तो किस में लेकर के आए, करना क्या है? इन्होंने कहा कि जैसे पहले लोग बंधे हुए थे, एक साथ रहा करते थे, अब ये खुल चुके हैं, फिर से इनको बांध दो। तो शब्द प्रयोग किया रैली गारे। क्या वर्ड यूज किया? रैली गारे, मतलब फिर से बांधना। क्या बोलेंगे सर? फिर से बांधना। चलो फिर से बांध दीजिए। और इसी रैली गारे का भविष्य में एक शब्द बन के आया, उसको क्या कहते हैं? क्या कहा? रिलीजन। अब वो परमात्मा आत्मा का संबंध बनाना है, तो रिलीजन लेकर के आ गए। बात समझ पा रहे हैं आप? फिर से रिलीजन आया। अब रिलीजन में क्या था? रिलीजन किस पे बेस्ड हुआ? गॉड पे। गॉड के बारे में कहां लिखा गया? बाइबल में। ओके, बाइबल में लिखा गया। अब जो बाइबल है, बाइबल में लीडर कौन हो गया? पोप हो गया। पोप कहां बैठता था? इसका इंस्टीट्यूशन, इसका ऑफिस क्या था? चर्च हो गया। दुनिया नियंत्रित हुई, दुनिया कंट्रोल हुई, दुनिया तरीके से चलने लगी, दुनिया के अंदर एक नियम बन गए। लेकिन आपको पता है ना, हर चीज के अंदर गंदगी आ जाती है। तो ये जो एक समय दुनिया को सुधारने के लिए रिलीजन या रैली गारे लाया गया, वो आज की तारीख में तकलीफ देने लगा। तकलीफ देना हुआ क्या कि धीरे 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 फिर आगे मध्य युग शुरू हुआ, जिसमें केवल जड़ता आ गई, धर्म के अलावा कोई चीज नहीं। धर्म के विरुद्ध गया, उसको जला दिया गया, जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पे ईसाइयत का एक तरह से और पोप का अंध व काम शुरू हो गया, अंधापन शुरू हो गया। लोग एकदम गंदे तरीके से फॉलो, जो चर्च के खिलाफ गया उसको जिंदा जलाना, पैसे लेकर, पैसे लिए जाते थे, पर चर्च में पर्चियां कटती कि 5,000 रुपए की पर्ची कट गई साहब, आपको 2 साल के पास फ्री। कोई कहे यार मेरे इस जन्म के पूरे पास फ्री करो, 5 लाख रुपए लगेंगे साहब, 5 लाख रुपए जमा कराओ, पर्ची ले जाओ, पोप का ठप्पा लगा नहीं कि आप फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि पोप को ये मान लिया गया कि ये तो ईश्वर का दूत है हमारे बीच में। तो यहां पे जो ये पीरियड आया, इसको डार्क एज बोला गया। क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया। अब इसी डार्क एज से निकलने की जो प्रक्रिया थी, यानी रिलीजन भविष्य में क्या कर गया? डार्क एज कर गया। और इसी रिलीजन यानी इसी डार्क एज से निकलने की जो प्रक्रिया थी, उसी को पुनर्जागरण कहा गया। कि जैसे पहले जागे हुए थे, वैसे फिर से जागो। अब थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाओ, थोड़े से भावनात्मक रुखों को पकड़ना शुरू कर दो। यही रहने सा पीरियड था मेरे प्यारे साथियों, जिसकी वजह से क्या हो गया? डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, दुनिया के अंदर जागरूकता आ गई, लोग अपने अपने तरीके से काम करने लगे। सो चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स क्यों कहा जाता है, अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था रेनेसा पीरियड का। जागरूक होने की वजह से उसने बहुत सारे वो स्टेटमेंट दिए, जिनकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था। समझ में आया क्या ये पुनर्जागरण वाली कहानी? पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी गई, कहा गया कि परलोक छोड़ो, इहलोक की बात करो, इसी दुनिया में आगे बढ़ो। तो ये के सारे विचार पड़े किसके ऊपर? अपने युग का शिशु बनाना। तभी तो क्लियर है तो थम्स अप चाहिए भैया, समझ आ रहा हो तो थम्स अप करें और बताएं मेरे को कि सर पढ़ के समझ में आया, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या था?
पावरफुल किंगडम्स, यानी इस टाइम पे शक्तिशाली राजतंत्रों का प्रादुर्भाव हो रहा था। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, फ्रांस तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में उभर करके आ ही गया था, ठीक है ना। आप देखिए, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड बहुत बड़े पावर के रूप में उभर के आया। तो जब इनकी स्थापना हो रही थी तो यहीं पे लेकर के हुआ क्या, यहीं पे लेकर के एक इमोशन डेवलप हो गया फ्रांस इंग्लैंड सबको देख के। मैकियावेली सोचे, भाई हमारे यहाँ पे ये सब क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ भी यही सब पावरफुल तरीके से काम करें, क्योंकि जैसे हम ये डेवलप हुए हैं वैसे हम भी डेवलप हो जाएंगे। तो इसने क्या हुआ कि फ्रांस की और इंग्लैंड की स्थिति देख करके अपने विचार इस अनुरूप बना लिए कि साहब राज करना है तो पावरफुल सत्ता पावरफुल शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए तो इसने जो अपनी बुक लिखी प्रिंस, इस प्रिंस में पावरफुल राजतंत्र की ही तो बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा था। आज नहीं होता क्या कि यार वो तो है अपन एकेडमी में पढ़ रहा है, वो प्लस में पढ़ रहा है, मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लूं कि ना लूं, यार मुझे भी प्लस में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी लोग आपके कॉम्पिटिटर पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वो एज ले रहे हैं। तो जैसे फ्रांस और इंग्लैंड की कहानी थी, उनसे तुलना जब इसने करी, इसने कहा कि यार बताओ गजब हो गया, हमारे बराबर के देश हमको बर्बाद कर दिए, हमें भी पावरफुल होना पड़ेगा। तो शक्तिशाली राजतंत्र की जो स्थापना हो रही थी उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ा था। तीसरी चीज देखिए, पुअर पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ इटली। पोजीशन ऑफ इटली, इटली की जो राजनीतिक स्थिति बड़ी गंदी थी। आपको पता होना चाहिए कि एकीकरण नहीं था, इसलिए तो बोलते ना कि जहां पे एकता नहीं होती संघ शक्ति कलियुगे। कलियुग में शक्ति कहाँ होती है? कलियुग में शक्ति होती है केवल संगठन में। बात समझ में आ रही है क्या? केवल संगठन में शक्ति होती है। अब सर जब संगठन की बात यहां पे हुई तो मैकियावेली ने कहा कि मेरे भी इटली का संगठन होना चाहिए। तो इटली को यूनाइटेड करने के लिए, क्योंकि इटली क्या था इस टाइम पे, पांच पार्ट्स में बटा हुआ था, पांच राज्य बटे हुए थे इटली के। आपको वैसे पता होंगे पर फिर भी कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको पांच राज्य कौन से थे। देखिए सर, पांच राज्यों के नाम देख लो। सबसे पहला तो हो गया नेपल्स, ठीक है, मिलान, आज भी बड़ा फेमस है मिलान शहर, ठीक है। नहीं दिखे तो बता देना, अगर बाय द वे मेरे पीछे चला जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। दूसरा रोमन चर्च, तीसरा एरिया हो गया, चौथा और पांचवा यहां लिखता हूं वरना मेरे पीछे पूरा ही दब जाएगा, वेनिस और फ्लोरेंस और वेनिस हो गया और फ्लोरेंस हो गया, जिसका खुद ये था इटली का ही था, फ्लोरेंस का तो था ही है। अब देखो सर, वेनिस है, फ्लोरेंस है, नेपल्स है, मिलान है, रोमन है। यहां क्या था कि यहां पे होते थे युद्ध, ठीक है सर, इनमें फाइट होती थी सारे में, ये आपस में भी लड़ते थे और इनका मजे कौन लूटते थे, इनमें फ्रांस और इंग्लैंड भी मजे लूटते थे। अब आप एक चीज देखो, राज दुनिया में किसका चल रहा है? बेसिकली राज दुनिया में चल रहा था पोप का, यूरोपियन दुनिया में राज तो पोप का चल रहा था। और दो पावरफुल राज्य कौन कौन से बन चुके थे? फ्रांस, इधर इंग्लैंड। अब इनको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पोप का तो मानना ही पड़ेगा ना यार, पोप कह दे फिर मना कैसे कर दे। तो पोप क्या होता था, मजे लेता था दुनिया में बाकी पे। तो यहां पे क्या था सर, एक कंट्री थी छोटी सी, इसको कहते थे इटली। अब इटली में टुकड़े कितने हो गए? पांच, देख लो, मिलान आपके हो गया, वेनिस, फ्लोरेंस, इसके अलावा रोमन चर्च वाला एरिया, और इसका जो पांचवा एरिया जो सबसे पहले हमने देखा वो कौन सा था? नेपल्स। अब इनके ऊपर क्या होता था, पोप टाइम टाइम पे आदेश देता था कि यार देखो फ्रांस और इंग्लैंड तुम जाओ और इटली के इस एरिया में शांति पैदा करो, यहां बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनका ध्यान रखो। इस चक्कर में होता क्या था कि
कि इटली इटली के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड अक्सर इंटरवीन किया करते थे। आपको मैं बड़ी गजब की बात बताता हूँ, देखो हुआ क्या था। एक सेवालो नाम था उसका, सेवानो राला, ठीक है नाम लिखता हूँ एक बार इधर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना है ना, सेवालो सेवा नो राला। ये बेसिकली एक संत था, ठीक है, क्रिश्चियन संत था ये सेवानो राला। इस बंदे ने क्या किया, सेवानो राला ने एक कहा कि सुधार करो, चीजों को ठीक करो। ये कहाँ का था, फ्लोरेंस का था, ठीक है, कहाँ का, फ्लोरेंस का। सेवानो राला कहाँ का था, फ्लोरेंस का। अब आप देखिए कि एक समय जब यहां झगड़ा चल रहा था तो पोप के आदेश पे फ्रांस ने क्या किया, फ्लोरेंस पे कब्जा कर लिया, फ्लोरेंस को अपने अधीन में ले लिया, फ्लोरेंस को अधीन लिया। और बहुत दिनों से जो आपका सेरानो राला जो था, ये विरोध तो कर ही रहा था पोप का, तो पोप को खुश करने के लिए क्या किया, इसको यहां पे जिंदा जला दिया गया कि यार तू तो पोप का विरोध करता है, कि वो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तो इसको बिना मतलब यहां पे क्या किया गया था साथियों, जिंदा जला दिया गया था। बात समझ आ रही है, जिंदा जला के इसको मार दिया गया था। तो इस रूप के अंदर यहां क्या था, कहानी चल रही थी, इटालियन समाज की दुर्दशा हो रही थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बैड कंडीशन थी, धर्म नैतिकताएं लुट चुकी थी, और मानव के संदर्भ में जो धारणा बनी उसकी, ह्यूमन नेचर को लेके, वो बड़ी नेगेटिव हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसने सबको रिश्वत लेते देखा, उसने किसी को राज्य की बात मानते हुए नहीं देखा, बर्बाद होते हुए देखा, तो उसका एक नजरिया बन गया था। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। तो यहां तक का कंटेंट क्लियर हुआ क्या सर, यहां तक का कंटेंट क्लियर है क्या एवरीबडी? क्लियर है, ठीक है। अब देखो जिनको समझ आ गया, अब आप लोगों को बढ़िया डेली पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, सुन लेना मेरी बात को। और करना क्या है, सुबह 10 बजे, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पहले जो कुछ नए बच्चे आए उनको, 10 बजे हम कहां मिलेंगे, अनअकैडमी पे, फ्री सेशन। एनरोल कर लेना जाकर के क्लास में, और अनलॉक करने के लिए लॉक कि चाबी आप लोगों को पता ही है, कोड क्या रहेगा, फ्री लगेगा बिल्कुल, ये PARIK 10 या फिर नया कोड आपको बताते हैं JRF 10, बहुत ब्यूटीफुल कोड है JRF 10, JRF लगाओ JRF पाओ, ठीक है JRF 10। और अनअकैडमी पे यहां पे रहेंगे ही, इसके बाद में 11:30 पे, और उसके बाद में 12:30 पे, ठीक है 12:30 पे, ये दोनों जगह कहां पे, वाईफाई स्टडी, UGC नेट हिंदी, इस चैनल के ऊपर मस्ट नो सीरीज आप लोगों की चलेगी। फिर 4 बजे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अपने इसी चैनल पे, और रात को 8 बजे क्या चलेगा सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो बेझिझक बेधड़क जुड़े रहना, पढ़ते रहना, और जो वीर मेरे साथ में अपनी सक्सेस को कंप्लीट अश्योर करना चाहते हैं, उनको बार बार इनविटेशन दे रहा हूं अनअकैडमी प्लस का। ये सारे कोर्सेज आपको फीके लगने लगेंगे, विश्वास करो अनअकैडमी प्लस पे आओ, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, वहां पे पूरी छूट होती है पढ़ने पढ़ाने की, बढ़िया क्लासेस चलती हैं। तो जिनको मेरे प्यारे साथियों ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस, उनके लिए सिंपल फंडा ये बता रहे हैं, यूनिट नंबर 5 से नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन करिए। कंप्लीट कोर्स मेरे कराने की जिम्मेदारी है, कंप्लीट 10 यूनिट में ही पढ़ाऊंगा विद नोट्स, फुल्ली डिटेल, मजा आएगा पढ़ के। और ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड आपको यूज करना होगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो PARKEK10 या फिर JRF10 लगाइए और JRF अपने अकाउंट में पाइए, ठीक है सर, आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है मिल जाएगा। तो PARIK 10 या JRF 10 जो आपको कोड लगाना हो, पर ध्यान रखें अगर आपकी तैयारी पहले से हो चुकी है तो 6 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन में चले जाना, बहुत सरल बातें बता रहा हूँ। पूरी ही तैयारी मेरे साथ में करनी है तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो
तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सफिशियंट रहता है, एक बार पैसा लगेगा। और हाँ, ईएमआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है, डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे भी मिल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के साथ में उसके ऊपर क्या करो, आप गोल सेलेक्ट करो यूजीसी नेट, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट गोल सेलेक्ट करो। फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर के आपके पास कोड अवेलेबल है या तो JRF10 या फिर PARIK10, दोनों ही कोड आपके हैं, 10% डिस्काउंट लगेगा। पेपर वन भी इंक्लूड होगा इसमें, जिसको मेरी पूरी टीम पढ़ा रही है, और पेपर टू तो एक छत्र राज अपना है सर, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते ही आए हैं। चलिए सर, सर यूनिट फर्स्ट की ठीक से तैयारी नहीं हो पा रहा है। शुभम, पेपर वन का सब आप पे प्लस पे आकर देख लो, प्लस पे हो तो वैसे बताओ, हो तो फिर आपसे कुछ पर्सनली हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करना रहेगा, अदरवाइज पेपर टू के लिए तो आप मेरे साथ में अनअकैडमी प्लस पे आ ही जाते हैं। सिमर, हमने सुना तो है कि अनअकैडमी ये प्लस से ये सब क्या बोलते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो मैं कंफर्म करके आपको और बता दूंगा, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़ जाएं और उम्मीद करेंगे कि हमारा जो नया कोड है इसको आप सपोर्ट करेंगे, पॉपुलर करेंगे। JRF10 यानी सक्सेस की गारंटी, ठीक है सर, JRF10 यानी सक्सेस की गारंटी, JRF10 लगाइए और सक्सेस पाइए। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ में रात को 8 बजे, रात को 8 बजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, दमदार क्लास होगी, सभी लोग आओगे और क्लास की रीच को मैक्सिमम बढ़ाओगे। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, जुड़े रहिए और स्टे हेल्दी स्टे सेफ। और अनअकैडमी पे हमेशा एक बात हम बोलेंगे, क्या, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।